बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के तत्वाधान में महुआ राजा पाकर देसरी सहदेई बुजुर्ग चेहरा कला के सैकड़ों शिक्षक पूर्व मंत्री शिव चंद्र राम के आवास का घेराव किया। सैकड़ों की तादाद में शिक्षक की उपस्थिति से शिव चंद्र राम के आवास पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान शिक्षकों ने बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षकों ने कहा कि नीतीश सरकार शिक्षकों का हक मारी कर रही है तथा संवैधानिक अधिकार का हनन कर रही है। हड़ताल में रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्राथमिकी दर्ज करने की बात कह रही है, लेकिन शिक्षक डरने वाले नहीं है। जब तक हम लोगों का समान काम का समान वेतन मान नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। वहीं पूर्व मंत्री शिव चंद्र राम ने कहा कि शिक्षकों की मांग जायज है, सरकार को इनकी मांग माननी चाहिए। वहीं नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार के कारण आज विधायक और पूर्व मंत्रियों का घेरा हो रहा है। हम लोग अपने सम्मान अपने हक की लड़ाई के लिए पूर्ण वेतनमान राजकर्मी का दर्जा पुरानी पेंशन के लिए विगत 17 फरवरी से हम लोग हड़ताल में हैं और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तब तक हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे और वक्त आने पर सरकार को ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे। इसलिए कर रहे हैं कि हमारे माननीय विधायक ये चूंकि ये लड़ाई सिर्फ नियोजन की लड़ाई नहीं है, ये नीतीश कुमार के नियोजनवाद के खिलाफ नीतीश कुमार जो एक गहरी साजिश रच रहे हैं कि गरीब गुड़ुआ का बेटा जिंदगी भर इसी नियोजन में उलझा रहे और सरकार ने जो कुत्सित मानसिकता का परिचय दिया है उसका खिलाफ करने के लिए और अपनी बात को सदन में उठवाने के लिए माननीय विधायक श्री चंद्र राम जी का आवास घेराव करने का कार्यक्रम देख रहे हैं। ये सरकार के द्वारा हर जगह पे ये आप हड़ताली कर्मी को उस पर कार्रवाई की जा रही है, उनके विरुद्ध निलंबन का लेटर निकाला जा रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी आप तो पढ़े लिखे लगते हैं, ये आपने पंचायती राज व्यवस्था का जो नियम है शायद आप पढ़े नहीं हैं। आप ऐसे ही कानून कहां से लेकर के आते हैं और नियोजित शिक्षकों पर जब वेतन देने की बात आती है तो आप कहते हैं कि ये मेरा कर्मचारी नहीं है, पंचायती राज का कर्मचारी है, और जब कार्रवाई करने की बात आ रही है तो आपके पदाधिकारी सीधे निलंबन का लेटर निकाल रहे हैं। आपका कैसा कानून है आप जरा अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आप हाई कोर्ट की बातों को नहीं मानते हैं, आप कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, न्याय होता है, आप हाई कोर्ट की बात नहीं मानते हैं। देखिए शिक्षक का मांग जायज, शिक्षक की पूरी मांग को मैंने जब देखा है तो लगा कि निश्चित रूप से शिक्षक के साथ अन्याय हो रहा है और बिहार के सरकार को हंसते हुए इनके तमाम मांगों को मांगने की ज़रूरत है। आप सरकारी इसको जो है कि दर्जा देने की बात आपका है तो ये सरकारी दर्जा इसको मिलनी चाहिए, समान काम का समान वेतन मिलनी चाहिए और ये तमाम मुद्दा को लेकर के आज ये घर रहे हैं। आज अगर नीतीश कुमार जी और बिहार की सरकार अगर सही होती आज के समय में कम से कम शिक्षक आज विधायक लोगों का घर का घेराव किया जा रहा है, विधायक लोगों के दरवाजे पर जो है कि लोग आ रहे हैं और विधायक लोगों के दरवाजे पर आ कर करके आंदोलन हो रहा है, विधायक लोगों को घेरने की बात हो रही है, ये कौन करवा रहा है? ये बिहार के मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी करा रहे हैं।
अगर ये लोग इनके मांग को मांग लिए होते, इनके बुला कर करके जो है इनसे जो है कि बात कर लिए अगर होते, तो आज ये विधायकों के वहाँ जो घेराव चल रहा है, विधायकों को जिस तरीका से घेरा जा रहा है, उस तरीका की बात आज विधायकों के साथ नहीं होती। तो ये निश्चित रूप से ये बिहार के मुख्यमंत्री जी के कारण विधायकों का घेराव हो रहा है। और शिक्षक की जो भी मांगे हैं कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? आज दो तरह का काम क्यों होगा? एक तरह के काम करने वाला और दो तरह का वेतन मिल रहा है। लालू जी के ज़माने में जो शिक्षक बिहार में बहाल हुआ उसको आज 85,000 मिल रहा है, और नीतीश जी के ज़माने में जो शिक्षक बहाल हुआ उसको 20,000 मिल रहा है। एक तरह के काम करने वाला दो तरह का वेतन में विसंगतियाँ हैं, और साथ से साथ हिटलर शाही के तरह शिक्षक लोग हड़ताल पर आए हैं, तो आप लोकतंत्र की हत्या करवा रहे हैं, संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। लोकतंत्र में अधिकार मिला है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, या जनसेवक हो, या जनता हो, लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को, अपनी मांग को लेकर के सड़क पर उतर सकता है। वैसे लोगों को क्या करें भाई, तो एक तरफे से बर्खास्तगी की बात करते हैं, अब कैसे चलेगा भाई? ये तमाम मुद्दा जो मैंने देखा है, और जो शिक्षकों का जो आक्रोश है, वो आक्रोश एकदम जायज है। हम इनके आंदोलन को समर्थन करते हैं, और इस तरीका से आपके माध्यम से बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इनकी 7 सूत्री जो मांग है, ये 7 सूत्री मांग इनका जो है कि सरकार अविलंब देने का काम करे, और शिक्षक को मांग को मांग कर इनको पुनः इनके काम पर वापस लौटने का काम करे। यही हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कहते रहे कि हमारी सरकार अगर बनती है, हम सत्ता में आते हैं, तो हम शिक्षक को समान काम का समान वेतन देंगे। एक तरह के काम करने वाला दो तरह का नीतियाँ नहीं चलेगी।